हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज शुरू में आप सभी का बहुत स्वागत है। सो यार, आईफोन 10 आर और आईफोन 11 दो ऐसे स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं हमेशा से ही, और आईफोन 11 तो अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि बजट के अंदर काफ़ी सही वो आपको पूरी एक स्पेसिफिकेशन और सब कुछ दे देते हैं। तो हमें फ्लिपकार्ट का भी सेल आने वाला है मई 2nd से, तो वहाँ पर आईफोन 11 और आईफोन 10 आर सस्ते हो गए हैं। तो करीब आईफोन 11 जो है 7,000 रुपये सस्ता हो गया है, और आईफोन 10 आर का रेट अभी मैं चेक कर रहा था 37,000 रुपीज़ है अगर आप लोग नया खरीदते हो फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पे भाई जिस बंदे को नया लेना है वो भाई आईफोन 11 आईफोन 10 आर में से चूज कर सकता है। वैसे मैंने इन सभी के ऊपर वीडियो बनाई, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वैसे यार मेरा भी मन है एक नया आईफोन, नया नहीं मतलब सेकेंड हैंड आईफोन लेने का, क्योंकि मेरे को आईफोन 8 प्लस जो है वो चेकआउट करना था। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि आज OLX पे सर्च करूँ कि भाई आईफोन 8 प्लस हमें मिलते हैं नहीं मिलते, तो भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चलेगा कि आईफोन 8 प्लस कितने का है और कैसा है, और आप लोगों को शायद वीडियो मिल जाए आने वाले समय के अंदर मैं खरीदता हूँ वो। और अगर आप में से किसी के पास है, अगर आप बेचना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सर, OLX से मैंने फ़ोन खरीदने की वीडियोज़ पहले भी काफ़ी सारी बनाई हैं एंड आप लोगों को बहुत पसंद आती है, तो थैंक यू सो मच। और अगर ये भी पसंद आएगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो यहाँ पे मैंने भाई OLX जो है वो ओपन कर लिया है। देखो, OLX पे स्कैम भी बहुत होते हैं, मेरे साथ भी एक बार स्कैम हुआ था और उसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो आप। लेकिन एक चीज है कि आपको खुद अवेयर रहना है कि कैसे रहना है। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी आप लोग ये कर सकते हो काम कि अभी चेकआउट कर सकते हो कैसे रेट चल रहे हैं और क्या चल रहा है, पैसा सेव करके आप लोग आराम से ले सकते हो जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन। तो अभी भाई मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ आईफोन 8 प्लस, यहाँ पे मैंने अपने लोकेलिटी के आसपास जो स्टूडियो वहाँ पे डाला है, दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो आईफोन 8 प्लस सर्च सबसे पहला जो आ रहा है वो है 22,000 रुपीज़ का, फर्स्ट क्लास कंडीशन, ओनली फिंगरप्रिंट इज नॉट वर्किंग। तो बेसिकली देखो, ये होती है ऐसी एड्स जिसके अंदर की पता चलता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है एंड इस फ़ोन की डिस्प्ले चेंज हो रखी है, जिस वजह से इसका जो है टच आईडी नहीं काम कर रही क्योंकि वो मैप नहीं कर पाते। सेकंड, यहाँ पे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट फ़ोन की तरफ। तो यहाँ पे 8 प्लस बहुत ज़्यादा महंगा दे रखा है इसने 30,000 रुपीज़ का, जो कि इसकी वैल्यू नहीं है, रिफर्बिश्ड मोबाइल है। यहाँ पे आईफोन 8 प्लस एक और है, ये 64 GB आईफोन 8 प्लस क्लीन पीस विद नो स्क्रैचेस और इश्यूज इन बेस्ट कंडीशन और बट बिल हैज़ बीन मिसप्लेस्ड। चलो 26,000 के अंदर ये फ़ोन सही लग रहा है, मतलब गोल्ड कलर के अंदर काफ़ी सही, मेरे को तो ठीक ही लग रहा है। एंड इसको भाई ऑफ़र दे देते हैं बंदे को, वैसे तो लड़की है ये, सॉरी। तो यहाँ पे ऑफ़र दे रहा हूँ मैं 22 का दे देते हैं, चलो ठीक है मैंने ऑफ़र दे दिया। अब देखते हैं कि भाई हमारे को ये फ़ोन मिलता है नहीं मिलता है इतने में। देन यहाँ पे नेक्स्ट फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और है ब्लैक कलर के अंदर। वैसे ब्लैक कलर यार मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को रेड या फिर गोल्ड ज़्यादा पसंद आता है आईफोन 8 का, बट कोई नहीं, देख लेते हैं। आईफोन 8 प्लस परफेक्ट कंडीशन, वैलिड बॉक्स एंड बिल, ओरिजिनल चार्जर एंड ईयरफोन्स। तो ये बंदा भी सही दे रहा है, इसको भी भाई मैं फटाफट से दे देता हूँ 22 का ही ऑफर, पर उससे ज़्यादा का मैं किसी को नहीं देने वाला। देन अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, एक बंदे ने 16,000 रुपये का डाल रखा है, सिम नॉट वर्किंग शोइंग नो सर्विस। भाई ये तो सही चीज़ लग रही है लेकिन मैं लूँगा नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, वैसे मैंने वीडियोस बनाई आप लोग चेकआउट कर सकते हो आईफोन कैसे लेते हैं, लेकिन दो चार पॉइंटर्स मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। अगर आप आईफोन सेकंड हैंड ले रहे हो OLX से, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना फेस आईडी अगर उसमें है तो चलनी चाहिए, टच आईडी अगर है उसमें तो चलनी चाहिए, डिस्प्ले के अंदर अगर ट्रू टोन है तो ट्रू टोन चलना चाहिए, ठीक है, ऑटो ब्राइटनेस जो ऑप्शन होता है वो चलना चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग चेक करना बैटरी हेल्थ की, बैटरी हेल्थ कितनी है। बैटरी हेल्थ ज़्यादातर 84% तक भी सही रहती है मेरे हिसाब से, और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती बैटरी रिप्लेस अगर आप कराते हो, बट हाँ 85% 86-87 है, ठीक है आप लोग उस हिसाब से पैसे कम कर सकते हो उस फ़ोन के, लेकिन चेक करना कि 70 ना हो मतलब 80 ना हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। देन यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, एक और काफ़ी ज़्यादा सही कलर लग रहा है, एक्सीलेंट कंडीशन चार्जर हेडफोन बिल बैक टू कवर, बढ़िया लग रहा है यार ये फ़ोन तो मेरे को। तो इसके अंदर 26,000 इसने डाल रखा है, मैं इसको थोड़ा और कम का ऑप्शन दूंगा क्योंकि इसने पहले 26 दिया है, तो इसको 20,000 रुपये दूंगा। तुम्हारा भाई तेज है, तेजी दिखाएंगे हम। वैसे फ़ोन की कंडीशन मुझे अच्छी लग रही है इस फोटोज़ के अंदर। बाकी भाई नेक्स्ट फ़ोन की तरफ चलते हैं, एंड यहाँ पे आईफोन 8 प्लस एक और है, ये है हमारा 24,000 में। दिखने में तो फ़ोन सही लग रहा है, इसकी बैटरी शायद इसने चेंज करा रखी है क्योंकि बैटरी हेल्थ इसकी 100% पे है, तो इस बंदे ने शायद इसकी बैटरी चेंज कराई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो इसको भी ऑफर डाल देते हैं सबसे कम का 19,300 रुपये का, अगर इसका मैसेज आएगा तो डेफिनेटली मज़े आ जाएगा। देन यहाँ पे एक और है आईफोन 8 प्लस, और ये है मिंट कंडीशन के अंदर, 83% बैटरी, ओनली फोन बिल एंड 12W फास्ट चार्जर। इफ यू वांट ओनली फोन एंड बिल सो प्राइस इज 9, एंड इफ यू वांट चार्ज बिल सो प्राइस 20,500। अच्छा, मतलब चार्जर के साथ बंदा ज़्यादा पैसे ले रहा है, ओके ये क्या बात हुई भाई, चार्जर तो चाहिए होता है सबको। चलो कोई नहीं भाई, इसको फिर भी हम 16,500 सस्ता देंगे रेट। लेकिन इस बंदे ने एक चीज़ सही डाली हुई है कि फ़ोन का रेट कुछ ज़्यादा ही कम डाला था, 20,000 में आईफोन 8 प्लस मिल रहा है 64 GB, मतलब ठीक है यार रेट, ओके। तो मेरे को यार फाइनली अब एक रेड कलर मिल गया, रेड कलर का मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, प्रोडक्ट रेड, एंड ये है कोई दुकान वाले का फ़ोन,
ओहो, दुकान वालों का फोन में ना कोई टेंशन नहीं रहती मुझे। तो ज्यादातर फोनों के यार फिंगरप्रिंट नहीं वर्क कर रहे होते, तो इसका ध्यान रखना है कि आप लोगों का फोन जब आप लोगे तो उसमें फिंगरप्रिंट जरूर चलना चाहिए, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ दिक्कत होगी उसमें डेफिनेटली। एंड मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कोई तगड़ा सा फोन मिल जाए मुझे, तो मैं उसको आप लोगों को दिखाऊं। सो बेसिकली एक और मिला है मेरे को, लास्ट फोन है ये ब्लैक कलर के अंदर, आईफोन 8 प्लस 64GB ग्रे कलर विद बॉक्स बिल चार्जर, ओरिजिनल है, ब्रांड न्यू कंडीशन, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। तो इसको भी मैं कोट कर देता हूँ 20 कर देते हैं, देखते हैं फिर थोड़ी और बार्गेनिंग कर लेंगे। बार्गेनिंग भी ना करें तो भाई हम हिंदुस्तानी लोग रह नहीं सकते, है ना भाई। तो यहाँ पे हमने भाई कितने करीब 5 लोगों को फाइनली कर दिया है मैसेज, और अब देखते हैं 5 में से किसका मैसेज आएगा। तो अगर आप लोगों को जानना है कि कैसे प्रोसीजर होता है पूरा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट डाल दूंगा। बाकी अगर आप में से किसी के पास iPhone 8 प्लस है तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, और मतलब इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो अगर बेच रहे हो तो। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी, काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भाई iPhone 11 हमें 20,000 में मिल रहा है, 21,000 में मिल रहा है इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर और ये सब। भाई एक चीज़ बताता हूँ, कभी मत लेना वो फ़ोन, और वो सब फ्रॉड होते हैं ज़्यादातर, और रिफर्बिश्ड होते हैं, डिस्प्ले चेंज होती है, मतलब पूरा फ़ोन अजीब ही होता है वो। तो बिल्कुल भी उस चीज़ में जाना अगर चाहिए भी, मजे भी ले रहे हो, मजे ही लो, उससे ज्यादा आगे पैसे मत दे देना, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। सो बस यार आज के अंदर इतना ही, पसंद आएगी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आगे मस्त मस्त ऐसे कंटेंट के लिए रेडी रहना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, स्टे सेफ गाइज़।